दिन इसी जगह पे गिरी थी वो। अच्छा अभी ऊपर नहीं जा सकते वहाँ? देख दीवार देख तुम, जीप चला के थोड़ा कुछ आगे 150 रुपये देना होगा। और 150 के अंदर गाइड और जीप आ जाए। अरे ये भंवर सर पूरा शहर पहाड़ के ऊपर बना ये महल किला है। अगले पहाड़ में शहर और भी नहीं तो कोई लूटर ले जाता। ये है भैरव पुल। और तो किया बस तो सर कैसे हो, कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ आके? गर्मी बहुत है यार। आ जाओ सर, हमारा पर्दा तो यहीं रहते थे। सही है सर, कौन सा पर उस दिन तुम्हारे मकबरा अंदर नहीं जा सकते। पाकिस्तान फ्लावर डिजाइनिंग फर्म में पीस सिंगल पीस का उपयोग किया गया। कितनी सुंदर ब्यूटीफुल कार्विंग हैंड वर्किंग हाथ से काम किया गया, क्योंकि राजा के टाइम में मशीनें कर रही होती छोटे छोटे औजार होते थे ताकि उधर चिमनी से पत्थर को तरा सके। मोबाइल टॉर्च
रिफ्लेक्सेस। 2003 में रूम में जाने के लिए परमिशन थी, गवर्नमेंट ने बंद कर दिए गए। स्टूडेंट पब्लिक टूरिस्ट नाम वगैरह लिख के चले जाते थे क्लास को निकालने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। वो फर्स्ट लाने का बेडरूम है, उधर सेकंड लाने का बीच में राजा का बेडरूम है। ये दीवाने कहाँ से बनाएंगे इसको, यहाँ खड़े हो जाएंगे सर लोग, फोटो बना देता हूँ। कैमरा किसका था वो पहले? इधर से जाने का रास्ता नहीं है, उधर जाने का रास्ता नहीं। घना ही देनाड़ा भाई। वाह भंवर सर क्या बात है, आपकी हाइट के हिसाब से तो बहुत छोटा है। अंधेरा ही अंधेरा बड़ा। गम गया नहीं रे भंवर सर, डर लग रहा है इसके अंदर तो। आगे बाहर आगे हाँ सर आ जाओ। तो भाई तो 100 रुपये का खेले। वो तो इसके लिए का दिखा, हम दूसरे अरे हम नहीं खेला तो बेईमानी है। टेस्ट तो कर लें टेस्ट का नहीं है। नहीं हम टेस्ट कर लूँ, सही है कि नहीं तब लेंगे 20 रुपया। आपको नीचे चल लें दो। वाह भंवर सर वाह क्या बात। आमेर का किला राजस्थान जयपुर। अब कहाँ जा रहे हो? इधर देखते हैं ये क्या चीज़ है, क्या मौसम है, क्या किला है, घूमने का नज़ारा है अभी है। मारा पग दुखने लगे बेटा, मारा पग दुखने लगे, घूमने मजा आ गया। अरे ये दरवाजा तो बंद है सर। और है वाह सर नदी थी यहाँ ना। अरे वो हम लोग का तो मगरमच्छ खा लेता। क्या शानदार नज़ारा यार। ये पहाड़ी, इसी पहाड़ी के अंदर हो, ये जो ऊपर दिख रही है ना आप वहाँ पे, वो उसी के अंदर पिछले साल 17-18 बंदे खत्म हो गए थे ऊपर चढ़ने के बाद, बिजली गिरी थी उसके ऊपर। वहाँ पे लगभग 15-20 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। ओहो क्या शानदार बारिश आ रही है।
और यहाँ से पानी सीधा नीचे आता होगा है, यहाँ से पानी सीधा नीचे आता होगा, देखे ना ड्रेनेज की क्या व्यवस्था व्यवस्था नहीं है। भंवर सर बाकी 11 अपार्टमेंट नीचे हैं, बाकी 11 रानी हैं। नीचे के जो अपार्टमेंट हैं सारे के सारे सीक्रेट कॉरिडोर से कनेक्ट। रीज़न था एक राजा 12 रानी, अब उनमें से जब किसी एक से मिलना होता था तो महाराजा साहब को सीक्रेट कॉरिडोर से जाना पड़ता था ताकि बाकियों को पता ना चले। लास्ट टाइम महाराजा साहब किसके साथ, एक आदमी 12 औरतें नहीं संभाल सकता, इसीलिए कम्युनिकेशन नहीं था इसलिए पता नहीं चलता था, अगर होता भी तो भी इनके बीच में जलन और झगड़े हो। ये अंदर से लेकर के ये दीवार तक का जो एरिया है ये एक अपार्टमेंट है, एक रानी के रहने के लिए कमरा वहाँ अंदर बना हुआ है, कमरा छोटा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस खुला रखना पड़ता था ताकि घुटन गर्मी और अंधेरा ना हो, इसीलिए कम से कम जगह पर छत डाली जाती थी कमरा बनाने के लिए, इसलिए कमरा छोटा होता था। बाथटब बना हुआ है, खुले में नहाना पड़ता था रानियों को यहाँ पर, क्यों कि ना तो आम आदमी का आना जाना था यहाँ, ना खास आदमी का, ये जनाना महल लेडीज अपार्टमेंट। एक अपार्टमेंट ये है, दूसरा दीवार के पीछे आगे से आगे आगे से आने पड़ते हैं, ये बने हुए हैं पहले हर तरफ डोर एग्जिट द्वार, इधर से बाहर जाने का रास्ता है और पता नहीं बाहर कब निकालेंगे। कैफे ऑफिस सर, भंवर सर भूख लगी थी ना आपको?